हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। मैं प्रेम कश्यप आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आज हमारी मैथ की क्लास है, 5:30 बज चुके हैं। ठीक है, अभी आधा घंटे पहले मेरी वीडियो आई थी ट्रिक की 5 बजे वाली, उसको जरूर देखें आप लोग। उसमें मैंने करवाया है क्या दिल्ली पे कौन कौन से वंश ने शासन किया। ठीक है, तो उसको आज जाकर देखें अगर नहीं देखा आपने तो। ठीक है, उसके बाद आज हमारी मैथ्स की क्लास 13 है। ठीक है, आज हमारी मैथ्स की क्लास 13 है। ठीक है, 3 दिन छुट्टी थी बीच में, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग मैथ ने क्या पढ़ रहे थे। हम लोग मैथ ने पढ़ रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखा था हमने परसों। ठीक है, यानी कि पहले क्लास में क्या सीखा था हमने, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने सीखा था, हमारी क्लास है नंबर ऑफ फैक्टर्स की। किसकी? नंबर ऑफ फैक्टर्स की, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो हमने देखा था नंबर फैक्टर्स में, जैसे मान लीजिए हमने उस दिन ये नंबर लिया था 300। मैंने क्या कहा था, पहले इसको हम तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में। किसमें? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे पहले। ऐसे हम ये तोड़ते हैं 150 गुना 20, 2। ठीक है, अब 150 को 30 गुना 5, यहां मेरा 1 2 है, यहां 1 5 है। अभी 30 को हम तोड़ेंगे 5 गुना 6, और इस 6 को तोड़ेंगे हम 2 गुना 3 में। तो हमें फैक्टर क्या क्या मिलता है, 1 5 2 5, 5 का स्क्वायर मिल गया, 1 2 यहां 1 2 यहां, 2 का स्क्वायर मिल गया और 3 अकेला बच गया, यानी कि 3 के पावर 1 मिल गया। ठीक है, ये हमारा फैक्टर हुआ किसका, 300 का। ठीक है, 25 गुना 4 100, 100 गुना 300। ठीक है, तो अब 300 का फैक्टर हो गया हमारा, 300 का फैक्टर हो गया 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 पे पावर 1। ठीक है, ये हो गया मेरा 300 का फैक्टर। हमने पिछले क्लास में सीखा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए इसमें हमने क्या किया था, इसमें मैंने आपको कहा था कि हर एक के पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना है। ठीक है, ये देखा था हमने। ठीक है, हर एक के पावर में क्या करना है, हमें 1 जोड़ करके गुना कर देना है। ठीक है, आइए 2 पे पावर 1 गुना, फिर 2 पे पावर प्लस 1 गुना 1 पे प्लस 1, ये देखा था हमने, 2 प्लस 1 3 गुना 3 गुना 2, ये 3 3 9 2 18, यानी कि 300 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, यही है, यही है, कितने फैक्टर हैं टोटल 300 में, 18 है। ठीक है, और हमने देखा था उस दिन, अगर इस 18 टोटल फैक्टर लगा 300 में 18 है, इस 18 में मतलब प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि टोटल पावर को बस ऐड कर देना है। क्या कर देना है, टोटल पावर को सिर्फ ऐड कर देना है। तो 2 है प्लस 2 है प्लस 1 है, कितना हो गया, 5। ठीक है, कोई दिक्कत, कितना हो गया, 5 हो गया। इसके बारे में हमने बात किया था, तो आज हम देखेंगे। अब इस 18 में से 5 तो प्राइम फैक्टर है, अब कितना ऑड फैक्टर है, कितना इवन फैक्टर है, ये देखना है हमें अब। ठीक है, इस 18 में से अगर 5 फैक्टर अगर प्राइम नंबर है, तो इस 18 में से कितने ऐसे फैक्टर हैं
जो कि ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, यानी कि इस 18 फैक्टर में से, इस 18 में से कितने फैक्टर ऐसे हैं जो कि सम संख्या हैं और विषम संख्या हैं। ठीक है, आइए, हमने पिछले क्लास में ये दो चीज सीखा था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं ऑड की तरफ और इवन की तरफ। ठीक है, आइए, अगर हमें निकालना है ऑड नंबर तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, अगर इस 300 में टोटल नंबर फैक्टर 18 है तो उसमें ऑड फैक्टर कितने, ये देखना है हमें। आइए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बस ऑड जो नंबर मेरा होगा, ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑड नंबर के पावर में एक जोड़ देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना हमें। ठीक है, जैसे यहां पे एक ऑड नंबर 5 है, इसका पावर 2 है, तो 2 में एक जोड़ दिए हम, कितना हो गया 3। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें एक और ऑड नंबर है, 3 भी है, है बिल्कुल है। तो अगर एक से ज्यादा ऑड नंबर हो बच्चों तो हम क्या करेंगे, हम सेकेंड ऑड वाले पावर को फिर से वही करेंगे, 1 पावर है एक ही है, प्लस 1 किए और इन दोनों को इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे, इन दोनों को हम इंटू कर देंगे। अगर मान लीजिए एक फैक्टर और आ जाए जो ऑड नंबर हो, तो फिर से हम वही चीज रिपीट करेंगे, इंटू करेंगे और उसके पावर में हम एक और जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पे हमारे पास 2 ऑड नंबर है, तो 5 ऑड नंबर है, इसका पावर 2 है, इसमें हमने एक को जोड़ दिया और इंटू कर दिया। इंटू करके हमने देखा क्या, 3 भी हमारा ऑड नंबर है, 2 ऑड नंबर नहीं है, इसे हम छोड़ देंगे, 3 हमारा ऑड नंबर है, तो इसके पावर में फिर से हम एक जोड़ देंगे। ठीक है, और दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, आइए देखिए, 2+1 3 गुना 1+1 2, तो 3 इंटू से कितना हो गया 6। ठीक है, तो कितना हमारा ऑड फैक्टर है, 6 है, लिखिए इसको। ठीक है, तो 6 हमारा क्या आ गया, अब इसका मतलब क्या हुआ, इस 18 में से 6 फैक्टर ऐसे हैं जो कि ऑड नंबर है, कोई दिक्कत, जो कि ऑड फैक्टर्स है। अब हम देखेंगे इवेंट फैक्टर्स, नंबर ऑफ, ये बोला ना यहां तक, नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर्स। अगर टोटल में अगर 6 अगर ऑड फैक्टर है तो कितने इवेंट होंगे, टोटल माइनस ऑड कर देंगे हम, टोटल माइनस ऑड फैक्टर, यानी कि 18 - 6 कितना आ गया 12, 12 मेरा हो गया नंबर इवेंट फैक्टर्स, यानी कि इस 18 में से 6 अगर ऑड नंबर है तो हमारे 12 हमारे इवेंट नंबर है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हालांकि इवेन नंबर निकालने का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो मैं आपको भी करवाता हूं एक मिनट। हम पहले कोई एक नंबर लेते हैं और, ठीक है, कोई नंबर सोचो आप लोग, जैसे हम नंबर लेते हैं 2500। ठीक है, हमने एक नंबर लिया क्या 2500, इसमें मैं आपको सब कुछ दिखाऊं निकाल के, टोटल नंबर फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ऑड फैक्टर और इवेन फैक्टर। ठीक है, आइए इस 2500 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा, 25 × 100, इस 25 से 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है,
फिर इस 100 से 25 गुना 4, तो फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यानी कि टोटल हमारा हो गया 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 2। ठीक है, ये हमारा फैक्टर बन गया 2500 का, कितना 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 2। ठीक है, अगर 5 को अगर हम पावर 4 करते हैं तो हमारा आता है कितना, हमारा 625 आता है। ठीक है, 625 आता है और 2 का पावर 2 करते हैं तो हमारा 4 आता है। ठीक है, 625 गुना 4 होता है हमारा 2500। ठीक है, तो ये 2500 का हमारा फैक्टर हुआ 5 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, क्या मैंने सिखाया था आपको, अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की तो हम क्या करते हैं, हम पावर में एक जोड़ते हैं। ठीक है, गुना करते हैं, यानी कि 4+1 इंटू इस पावर को 2+1। ठीक है, तो 4 1 5 इंटू 2+1 3, 5 3 15, यानी कि इस 2500 में टोटल नंबर फैक्टर कितने हैं, 15 हैं। कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की। ठीक, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की। ठीक है, इस 15 में कितने ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, जो कि प्राइम नंबर है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, मैंने आपको कहा था कि टोटल पावर को हम ऐड कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं टोटल पावर को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि इसमें दो फैक्टर है, एक का पावर 4 है, एक का पावर 2 है, तो हम 4+2 कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। यानी कि अगर 2500 में टोटल नंबर फैक्टर अगर 15 हैं, तो इस 15 में से 6 फैक्टर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, कितने, 6। अब 15 में से 6 प्राइम नंबर है, अब हम देखेंगे इस 15 में से कितने ऑड नंबर है, कितने इवन नंबर है, क्योंकि प्राइम फैक्टर में तो ऑड भी कुछ है, कुछ इवन भी है, ये 2 हमारा इवन टाइम नंबर है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्राइम नंबर, यानी कि इस 15 में ऑड इवन दोनों मिला हुआ है। ठीक है, इस 15 में हमारा ऑड इवन दोनों मिला हुआ है, उस ऑड इवन दोनों से कितने प्राइम नंबर है, वो चीज ये है 6। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ऑड नंबर का पावर में हम एक जोड़ देते हैं, अगर एक ऑड नंबर हो उसके पावर में हम एक जोड़ देंगे, अगर दो हो तो दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑड नंबर है 5, उसका पावर 4 है, तो 4+1 कितना आ गया, 5, बस काम खत्म। ठीक है, यानी कि इससे हम क्या समझते हैं, इस 15 में से 5 फैक्टर ऐसे हैं जो कि ऑड नंबर है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट, इस 15 में से 5 फैक्टर ऐसे हैं जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं इवन नंबर की ओर, यानी कि इस 15 में कितने इवन फैक्टर हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। आइए देखते हैं फॉर्मूला इसका, हम ठीक है, इसका फॉर्मूला है इवन फैक्टर
इंटू ऑड पावर प्लस वन, मतलब सर क्या है ये इवन फैक्टर, क्या है ये इवन, कितना फैक्टर है इसमें, एक ही फैक्टर है दो, हम दो ले लेंगे ठीक। ऑड पावर क्या है, यानी कि ऑड नंबर का पावर क्या है, इसमें एक ही ऑड नंबर है, पावर फोर है, फोर प्लस वन। फिर आपको क्वेश्चन होगा सर अगर इसमें एक और ऑड नंबर होता तो उसको इंटू करते, जैसे पहले करते आ रहे थे हम यहाँ पे हम ठीक है, तो आप एक ही है तो एक ही लेंगे हम। अब टू इंटू फाइव इक्वल टू टेन ठीक है, तो 2500 का ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 15 है, 15 में से 6 ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर है और 15 में से 5 ऐसे जो कि ऑड नंबर है, 15 में ऐसे 10 हैं जो कि इवन नंबर है ठीक है। तो ये हमारा था आज का इस क्वेश्चन का चारों टॉपिक ठीक है। अब हम ये उधर क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस ठीक है। आप मुझे एक नंबर है 2020, इसका मुझे निकाल के बताइए चारों चीज, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर ठीक है, निकालिए। समय एक मिनट का है। ठीक है चलिए मैं करता हूं, कोई बात नहीं। इसको पहले तोड़ेंगे फैक्टर में ठीक है, कैसे 2020 है, 405 इंटू 5 हो गया, सॉरी 404 इंटू 5 हो गया। अब ये 101 इंटू 4 हो गया, इस 4 का 2 का स्क्वायर हो गया ठीक है। तो इस 2020 का हमारा फैक्टर बनता है 5 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 2 इंटू 101 पे पावर 1 ठीक है, ये बना हमारा 2020 का फैक्टर ठीक है। अब हम इसमें से निकालेंगे चारों चीज, क्या क्या चीज, पहला हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ठीक है। क्या करते हैं हम हर एक पावर में एक प्लस करते हैं ठीक है, और इंटू करते हैं, तो 1+1 इंटू पावर 2 है, 2+1 इंटू पावर 1 है, 1+1 क्या आ गया, 1+1 2, 2+1 3, 1+1 2, तो 2 3 6, 6 2 12, यानी कि 2020 में 20 का टोटल कितना फैक्टर आएगा, 12, टोटल इसमें 12 फैक्टर होगा ठीक है, कितना टोटल 12। अब सेकेंड हमें निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इस 12 में से कितने फैक्टर प्राइम नंबर हैं, यानी कि इस 12 में से कितने फैक्टर हैं ऐसे जो कि प्राइम नंबर है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, सारे की पावर को जोड़ देना है ठीक है, 1+2+1 कितना आ गया, 2 3 4, यानी कि इस 12 में से 4 फैक्टर हमारा ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है। अब हम आते हैं अपने थर्ड नंबर पे, यानी कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पे, तो क्या फॉर्मूला है ऑड फैक्टर निकालने का, बताइए आप लोग, मैंने क्या कहा था ऑड नंबर के पावर में एक जोड़ देना है, क्या करना है ऑड नंबर के पावर में एक जोड़ देना है, तो एक है प्लस एक है दो, लेकिन इसमें दो ऑड नंबर है तो हमने क्या कहा था उसको इंटू कर देना है, तो सेकेंड में 1+1 ठीक, यानी कि 2 × 2 = 4, यानी कि इस 12 में से 4 ऐसे भी हैं जो कि ऑड नंबर है
ठीक है, चार ऐसे हैं जो कि ऑड नंबर है। अब हम आते हैं इवन पी फैक्टर की ओर, किसकी ओर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था, टोटल में ऑड को माइनस कर दो तो 12 माइनस 4 कितना आता है 8। देखिए इस 12 में से 8 फैक्टर ऐसे हैं जो कि इवन नंबर है। आइए इसे हम देखते हैं फॉर्मूला से। ठीक है, फॉर्मूला में आपको क्या कहा था, इवन फैक्टर लेना है बाहर, कितना इवन फैक्टर है 2 है, 2 मैंने बाहर लिया। अब इनटू में क्या करना है, ऑड का पावर को, ऑड नंबर 5 है इसका पावर में 1 जोड़ देना है। लेकिन सर यहां पर एक और ऑड नंबर है तो उसे रिपीट करना है और उसको इनटू कर देना है, तो यहां पर पावर 1 है तो 1 + 1 यहां भी रिपीट कर देना है, तो 2 × 1 + 1 2 × 1 + 1 2 यानी कि 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 आ गया 8। ये था हमारा 2020 का चारों चीज। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे सम की ओर, यानी कि इस टोटल फैक्टर्स का सम निकालेंगे, यानी कि जो 12 फैक्टर है ना, 12 फैक्टर कौन कौन सा है उसका सबको जोड़ने भी कितना आता है ये हम सीखेंगे अब। ठीक है, एक क्वेश्चन कीजिए प्रैक्टिस बस लास्ट। एक नंबर लीजिए आप लोग, बताइए आप उसको निकालिए। आप नंबर लेता हूं मैं, जैसे एक नंबर ले लो आप 144, चलो इसका हम निकालते हैं चारों चीज। ठीक है, उसके बाद हमारे चारों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 144 को हम किस टाइप से तोड़ेंगे, 12 × 12। ठीक, फिर इस 12 को 2 का पावर 2 यानी कि 4 × 3 का पावर 1, ये रिपीट होगा एक बार, 2 × 2 = 1 यानी कि 2 आ रहा है 4 बार और 3 आ रहा है 2 बार, तो 144 का हमारा फैक्टर बनता है 2 × 4 × 3 × 2 यानी कि 16 × 9 = 144। ठीक है, आइए इसका हम निकालते हैं चारों चीज। ठीक है, पहला क्या हमारा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या कहा था मैंने, पावर में एक जोड़ के गुना करना अगले वाले से, तो 4 + 1 × 2 + 1 कितना आ गया, 4 + 1 = 5, 5 × 3 = 15। ये 15 क्या आया, ये 15 144 का टोटल फैक्टर है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड की ओर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, हमने क्या कहा था, सिर्फ पावर को जोड़ देना है, 4 + 2 = 6। इस 15 में 6 ऐसे जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था आपको, ऑड के लिए पावर में एक प्लस कर देना हमें, किसमें, ऑड में। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, कितना ऑड का, ऑड नंबर देखिए है, क्या पावर है 2, तो 2 इसमें हम प्लस कर दिए, क्या आ गया 3। तीन मेरा क्या हो गया, 3 मेरा हो गया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, क्या है, 3 मेरा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ, हम आते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पे, मैंने क्या कहा आपको, टोटल में से माइनस कर दो आप ऑड को 12। ऐसे देखें हम फॉर्मूला से तो क्या होगा, इवन फैक्टर बाहर आएगा, क्या है 2 है, 2 बाहर रहेगा, अंदर में ऑड पावर, ऑड नंबर पावर कितना 2 है, इंटू सॉरी प्लस 1,
टू इंटू थ्री सिक्स, सॉरी ये गलत हो रहा है कहीं पे, यहां पे इसकी चाप ठीक कर लीजिए एक बार आप, यहां पे इवेन का पावर लेंगे, ठीक है, इवेन का पावर कितना, दो इवेन फैक्टर है, इसका पावर चार है, यहां पे चार लेंगे हम, ठीक है, तो चार इंटू तीन, सॉरी ये बारह होगा, ठीक है, तो ये पंद्रह क्या है हमारा, पंद्रह टोटल फैक्टर है, पंद्रह है, इस पंद्रह में से प्राइम फैक्टर छः है और ऑड तीन है, इवेन बारह है, ठीक है, तो ये था हमारा नंबर निकालने का तरीका, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि इसका सम क्या होता है, बाकी बातें हम कल करेंगे सम के बारे में, आपको बस मैं आज एक व्यू दे देता हूं। देखिए हम कल क्या सीखेंगे, हम कल सीखेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवेंट फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी कि अभी जो हमारा पंद्रह था ना, ये कौन फैक्टर, इस टोटल फैक्टर को जोड़ते हैं, पंद्रह को जोड़ेंगे आपस में, वो तो कितना आएगा वो हम कल इसमें सीखेंगे, ठीक है। जो पंद्रह मेरा फैक्टर आया था अभी, इसका टोटल पंद्रह फैक्टर को अगर जोड़ते हैं तो कितना निकलता है हमारा सम, वो हम कल सीखेंगे। और हम सीखेंगे प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी कल सीखेंगे हम निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ये हम कल सीखेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, ठीक है, अभी 6 बजे मेरी वीडियो आएगी हिस्ट्री के लिए बीबीएससी की, उसको देखना ना भूलें, ठीक है, और इसको घर में आप प्रैक्टिस करें, अपने मन से कोई भी नंबर ले, आप 5-6 क्वेश्चन करें घर में, आप अपने मन से कोई भी नंबर ले, उसका आप सब कुछ निकालें जो मैंने वो करवाया है, सब कुछ निकालें उसका और उसको चेक करें, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अभी 6 बजे वीडियो आएगी, 6 बजे इसको देखना ना भूलें, चलिए धन्यवाद, राधे राधे।